फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक एमजी सेट है जिसके अंदर हमारे पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। तो इसके सिरे जांचने की जो विधियां हैं उसमें हमने पहले देख लिया स्पार्किंग विधि से किस तरीके से इसके सिरे जांचते हैं। आज हम देखेंगे कि वोल्टमीटर की सहायता से इसके सिरे किस तरीके से जांचते हैं। तो आप देख रहे हो मेरे पीछे एक इंडक्शन मोटर है जिसके अंदर हमारे पास तीन वाइंडिंग की जाती है और तीनों वाइंडिंग के तीन दो दो सिरे होते हैं। दो दो सिरे जो है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से चेक करके यहाँ पे गांठ लगा दी है। आप ये जो सिरे हैं वो कैसे जांचते हैं ये हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या आपको ऊपर आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये वाइंडिंग के सिरे हमने जाँच लिए। अब इनमें जो हर एक वाइंडिंग के दो सिरे हैं, इसके अंदर पहला सिरा और दूसरा सिरा कौन कौन सा है वो हम देखेंगे वोल्टमीटर की सहायता से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सिरे जांचने के लिए वोल्टमीटर है तो उसमें भी हम दो तरीके से इसके सिरे जांचते हैं। तो हम पहला तरीका जो है वो यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, इस तरीके से हम इसके सिरे जांचते हैं। उसके बाद में दूसरा तरीका भी आपको मैं बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे को 0 से 500 वोल्टेज का एक वोल्टमीटर ले लेना है, जो कि एसी सप्लाई पे मूविंग, जो हमारे पास जो मूविंग आयरन है वो वाला वोल्टमीटर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कोई भी दो वाइंडिंग ले लेंगे और तीसरी वाइंडिंग को हम पीछे की तरफ कर देते हैं। जो दो वाइंडिंग हमने ली है उनके एक एक सिरों को हम यहाँ पे करेंगे कॉमन। हमने एक एक सिरों को यहाँ पे कॉमन कर लिया है और दोनों बाकी बचे हुए दो सिरे हमने निकाल लिए साइड के अंदर। अब इन जो ये दो सिरे बचे हैं इसके अंदर हम लगाएंगे हमारे वोल्टमीटर के तार। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हो एक दो वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग के एक एक सिरे तो मैंने यहाँ पे कॉमन कर दिए हैं और दो सिरे जो बाकी बच रहे हैं जिन पे वोल्टमीटर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, येलो वाला वायर और ब्लैक वाला वायर देख रहे होंगे, ये हमारे वोल्टमीटर के हैं। अब फ्रेंड्स, करना क्या है, जो हमने वाइंडिंग कॉमन की है एक डायरेक्ट सप्लाई इसके अंदर देनी है हमारे को, जिसको लगाएंगे हम हमारे बोर्ड के अंदर, और एक किसी भी वोल्टमीटर का कोई भी एक तार ले लेंगे जिसको हमने यहाँ कनेक्ट किया है, इसको लगा देंगे हम इसके साथ डायरेक्ट न्यूट्रल फेज के साथ, जिससे कि हमारी वाइंडिंग के अंदर डायरेक्ट सप्लाई जाएगी। अब फ्रेंड्स, जब इसके अंदर सप्लाई जाएगी और हमारा वोल्टमीटर है वो यहाँ पे 200 वोल्टेज से कम वोल्टेज या 250 वोल्टेज से कम वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब हमारे जोड़े गए जो सिरे हैं यहाँ पे, जो कॉमन सिरे कर रहे हैं वो यहाँ पे असमान सिरे हैं, यानी एक 1 है तो दूसरा 2 है। अगर यहाँ पे ये वोल्टमीटर यहाँ पे हमारे को 440 वोल्टेज या 400 से ऊपर वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब हमारे जो जोड़े गए सिरे हैं वो समान सिरे हैं, यानी ये A1 है तो ये भी A1 ही है, ये B1 है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने जो एक वोल्टमीटर का ब्लैक वाला तार देख रहे हो वाइंडिंग के साथ में, वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और दूसरा जो कॉमन सिरा करा था हमने उसको सप्लाई के साथ जोड़ दिया है। अब हम इसमें सप्लाई देते हैं और सप्लाई देके हमारे वोल्टमीटर में चेक करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 200 से कम रीडिंग दिखा रही है, 200 से कम रीडिंग दिखा रही है, मतलब हमने जो ये कॉमन सिरे करे हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे ये कॉमन सिरे करे हैं ये हमारे असमान सिरे हैं। अब एक बार इसको मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ कि इसके जो सिरे हैं उसको चेंज करके दिखा देता हूँ, 1-1 बना के दिखाता हूँ, फिर वोल्टेज चेक कर रहा हूँ कि हमने जो सिरे जोड़े हैं वो इस बार सही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने इनके जो कॉमन सिरे किए थे उनको बदल दिया है। अब इसके अंदर वापस उसी तरीके से हम सप्लाई देते हैं, एक वोल्टमीटर का कोई एक तार ले लेंगे जो कि हमारी एक वाइंडिंग के साथ कनेक्ट है और दूसरा है इस कॉमन सिरे में सप्लाई देंगे। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 230 वोल्टेज से ऊपर यानी 300 के आसपास यहाँ वोल्टेज हमारे को दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे हमने जो ये कॉमन सिरे करे हैं, ये जो हमने कॉमन सिरे करे हैं ये हमारे पास सेम है, यानी कि एक A1 है तो दूसरा B1, या इसको कह सकते हैं एक U1 तो दूसरा V1 है, और या W1, या आप इसको कोई सा भी सिरा U1 मान सकते हैं। तो हम जो सिरे यहाँ पे समान है उन पे कॉमन यहाँ पे एक एक गांठ लगा देते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड किस तरीके से हमने सिरे चेक किए हैं, ये हमारी दो वाइंडिंग हो गई। तो जिस पे हमने गांठ लगाई है इस ये वाइंडिंग वो है वाइंडिंग के सिरे वो है जिस पे हमने कॉमन करके और बाकी दो पे और एक इस पे सप्लाई देके देखी, तो हमारी वोल्टेज है वो 230 या हमारे ऐसे मानो 300 वोल्टेज के अप्रोक्स गई, मतलब यहाँ पे जो सिरे हमने जोड़े वो समान सिरे थे। तो समान इसको 1-1 मान लो या 2-2 मान लो, तो हमने 1-1 मान के इन पे एक एक गांठ और लगा दी, बाकी बच गए दो सिरे, ये हमारे 2-2 सिरे हो जाएंगे। इसी तरीके से हम किसी एक वाइंडिंग को छोड़ देंगे और तीसरी वाइंडिंग को ले लेंगे और इसके साथ भी हम इसी तरीके से कॉमन सिरे बना के और वोल्टमीटर की सहायता से चेक कर लेंगे। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी वोल्टमीटर से जो हमारे सिरे जाँचने की विधि।